नमस्कार, यूपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और यूपी की सभी बड़ी खबरों पर डालते हैं नज़र। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। कानपुर आ रहे हैं योगी, 330 करोड़ के प्रोजेक्ट होंगे शुरू। उद्यमी डॉक्टर शिक्षकों से करेंगे संवाद, 9 दिसंबर को होना है दौरा। BSD कॉलेज मैदान में 9 दिसंबर को होने जा रहे प्रबुद्ध सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ 330 करोड़ के 558 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। इसमें 144 करोड़ के 102 कामों का शिलान्यास होगा। निकाय चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री का ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। और अखिलेश यादव सपा कैंडिडेट बनाना है तो टेस्ट दीजिए। सपा निकाय चुनाव के दावेदारों से फार्म भरवा रही सपा, बुलेटिन की रसीद और पार्टी के सक्रिय सदस्य होना होगा अनिवार्य। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड में नौकरी का मौका, 10वीं पास युवा THD में करें अप्लाई, सेक्शन पर मिलेगी 50,000 रुपये तक सैलरी। बांग्लादेश में दूसरी बार सीरीज हारा भारत, आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के की थी जरूरत, रोहित ने 1 ही जड़ पाए। फंदे से लटका मिला टाइगर, पन्ना में बाघ का शिकार, सीएम शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। ट्रैक्टर से निकली चिंगारी से धान के ढेर में लगी आग, धान की मड़ाली चल रही थी, 10 बीघे धान की फसल ट्रैक्टर थ्रेसर जलकर हुआ खाक। प्रयागराज में विपिन और बजरंग दल ने निकाली शौर्य यात्रा, कार्यकर्ताओं ने हाथों में भगवा लेकर सड़कों पर जय श्री राम के लगाए नारे। दिल्ली MCD चुनाव में आपकी जीत पर जश्न, प्रयागराज में ढोल ताशे के धुन पर झूमे कार्यकर्ता, मनाया जश्न, अब कहा यूपी की बारी है। अयोध्या महापौर सीट पर महिला योद्धाओं की लंबी लाइन, भाजपा में दर्जन भर से ज़्यादा दावेदार, सपा और कांग्रेस में भी सामने आ रहे आवेदन। राम पथ चौड़ीकरण के लिए 5 डिप्टी कलेक्टर्स को जिम्मेदारी सौंपी, कमिश्नर बोले हर टीम रोज 10 बोनामा कराए, बोनामे के तत्काल बाद भवन खाली और ध्वस्त हो। आपने अयोध्या में MCD जीत पर जश्न मनाया, अपील, प्रजापति बोले दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कामों पर लगाई है मुहर। श्री राम वल्लभा कुंज के संतों को बांटे गए कंबल, स्वामी राजकुमार दास बोले साधु और गो सेवा पीठ ही परंपरा है। अमेठी में DM ने धान खरीद केंद्रों का किया निरीक्षण, छोटे किसानों के लिए अलग कांटा लगाने का समय से भुगतान के दिए निर्देश। बलिया के फरार बदमाश पर 25,000 का इनाम घोषित, निर्माण कार्यों के दौरान फायरिंग कर फैलाई थी दहशत, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली MCD चुनाव लखनऊ में मनाया जश्न, मनोज तिवारी के चट दे मार देनी खींच के तमाचा गाने पर हुआ कार्यकर्ताओं का बहुत खूबसूरत डांस। मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना के दौरान आएगी मेधावी OBC छात्र, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने समीक्षा बैठक में दिव्यांगों को बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने का दिया आदेश। सैलरी नहीं मिली तो बंद किया काम, नगर निगम जो 6 कार्यालय में वेतन नहीं मिलने से कर्मी नाराज। विल गेट्स की पत्नी मुलिंडा घूमने आई UP, हेल्थ सेंटर और विधानसभा भी देखा। LU के सीनियर्स ने जूनियर्स को लात घूसों से पीटा, कैंपस में दौड़ा दौड़ा कर मारा जूते मारकर फिर सूजा घोपा, 2 स्टूडेंट सस्पेंड। एनीमिया नेशनल राइड जारी, जन आंदोलन यात्रा के आगरा में अभिनंदन, 5 राज्यों में 20 से अधिक शहरों में होकर गुजर रही बस यात्रा, एनीमिया की रोकथाम को कर रहे जागरूक। 2024 से पहले 10 करोड़ मोबाइल में नमो ऐप, संगम में रोज इंस्टॉल हो रहे 200 ऐप, काशी से 40 लाख का टारगेट। तमिलनाडु से काशी पहुंची हॉकी टीम, संगम से कल खेल महोत्सव, 10 दिसंबर को आएंगे विदेश मंत्री। कांग्रेस अब यूपी में निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा, प्रदर्शित अजय राय बोले 11 दिसंबर को प्रयागराज से शुरू कर 22 दिसंबर को काशी में करेंगे खत्म। वार्डों की आरक्षण सूची गलत तरीके से बनी है, वाराणसी में सपा का आरोप, मानक नहीं रखा ध्यान, भाजपा नेताओं ने दबाव से की मनमानी। काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव 7 जनवरी से, 8 महीने में दूसरी बार चुनाव, 17 को वोटिंग कैंपस में बड़ी गहमागहमी। अभिषेक बच्चन पहुंचे काशी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी, फैंस से बोले हर हर महादेव। काशी यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह, BHU में 10 दिसंबर को मिलेंगे 91 मेडल, संपूर्णानंद में 250 रुपये मिलेंगे परिधान। IIT कानपुर के पूर्व छात्र ने 2 करोड़ रुपये स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, पूर्व छात्र ने अपनी पत्नी के आर्थिक मदद दी। UP में 6 IPS अफसरों का ट्रांसफर, 2 जिलों के कप्तान बदले, आकाश कुलहरी बने प्रयागराज के ज्वाइंट CP।
पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को जमानत मंजूर। मुरादाबाद में बिजली विभाग की फर्जी रसीदें बनाने के मामले में हुई थी 7 साल की सजा। कानपुर में 12 दिन बाद फिर दिखा तेंदुआ। एसआई कैंपस में गर्ल्स हार्ट्स के पास सड़क पर पार हुआ बाल बाल बचे बाइक सवार। सपा विधायक अभी जेल में ही रहेंगे। इरफान सोलंकी और मददगार अशरफ अली की 20 दिसंबर तक बढ़ी रिमांड। मथुरा के जवाहर बाग कांड सीबीआई में लगाई चार्जशीट। राम ब्रिज सहयोगी चंदन बोस सहित 90 लोग आरोपी। गाजियाबाद ट्रांसफर होगी फाइलें। मथुरा वृंदावन में मेयर के कई दावेदार। जो पार्टी सत्ता में उसके उम्मीदवार भी ज़्यादा। यहाँ सीट पिछड़ा महिला वर्ग अनारक्षित हुई। मथुरा के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों ने दिया इस्तीफा। सामूहिक इस्तीफे से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। मथुरा की संस्कृति यूनिवर्सिटी पहुंचे एक्टर तुषार कपूर। मारिच का किया प्रमोशन। साथ में रही तमिल अभिनेत्री सीरत कपूर। स्टूडेंट ने किया फिल्म देखने का वादा। और इसी के साथ धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।